हमारा चैनल स्पेशल रसोई घर में आपका स्वागत है। आज हम अंडे के ऑमलेट का एक नया डिश बनाने जा रहे हैं, जिसका शेप मैंने शाही पनीर का दिया है और टेस्ट भी बिल्कुल शाही पनीर का ही है। वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ मैंने 5 से 6 अंडे लिए हैं। अब मैंने सारे अंडों को यहाँ एक बाउल में तोड़ लिए हैं अंडों को। अब हम यहाँ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। दो छोटे चम्मच लाल कुटा मिर्चा डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसको अच्छे से ही फेंटना है कि अंडों में मिर्चा और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर देखिए तवा मेरा गर्म हो चुका है। यहाँ मैंने एक बड़ा चम्मच तेल डाला है। तेल होने के बाद इसमें ऑमलेट में डालना है। पूरे तवे में फैला देना है। फैलाने के बाद इसको हमको हल्के से रोल बनाना है। रोल बनाते रहिए साइड से, इसी तरह से बनाते रहिए जिस तरह से हमने बनाया है। बनाने के बाद इसको मैं अपनी तरफ खींच के इसमें और ऊपर से ही ऑमलेट इसी के ऊपर ही डालना है। हमको हटाना नहीं है, इसी के ऊपर से ही ऑमलेट डाल देना है। दूसरा जो है इसी के ऊपर से वो पक गया है, देखिए इसी के ऊपर से रोल बनाते जाइए। बनाने के बाद जब वो आगे हो जाए तो उसको फिर आगे खींच के फिर इसमें और डाल दें ऑमलेट। हमको अलग नहीं करना है, क्योंकि अलग करेंगे जो आपका रोल पतला हो जाएगा, और इसी में डालेंगे ऑमलेट तो आपका रोल थोड़ा से मोटा हो जाएगा तो पीस भी अच्छे ही कटेंगे। देखिए रोल हमारा तैयार हो चुका है, सिक भी गया है। इसको हमने निकाल लिया प्लेट में। इसी तरह मैंने देखिए दूसरा भी बना के रखा था। अब हमने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। तेल को तेज फ्लेम पे गरम करिए। फिर 2 टुकड़ा दालचीनी डालिए, 4 छोटी इलायची डालिए। अब 1/2 चम्मच जीरा डालिए, 3 से 4 तेज़पत्ता डालिए। सिलो फ्लेम पे ही रखिएगा ना तो जल जाएगा। अब 1 कटोरी अदरक और लहसुन प्याज का पेस्ट डालिए, हल्का से चला लीजिए। 1 कटोरी टमाटर का पेस्ट डालिए, फिर चला लीजिए इसको। अब 1/2 चम्मच हल्दी डालें, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च डालें। अब 1/4 गरम मसाला डालें। अब 1 चम्मच पीसी धनिया डालें। स्वाद अनुसार नमक डालें। अब इसको चला लीजिए, अच्छे से मिलाइए मसाले को। अब इसको 2 से 3 मिनट ढककर पकाते हैं। देखिए कितना अच्छे से मसाला पक चुका है। इसमें 1/2 कटोरी अब दही डालते हैं। चलाते रहिए, दही को अच्छे से मसाले में मिक्स कर दीजिए। अब इसको 3 से 4 मिनट और पका लीजिए। देखिए कितना अच्छे से मसाला पक चुका है, बिल्कुल ग्रेवी तैयार हो चुका है हमारा। अब हम ऑमलेट को पनीर का शेप देते हैं। यहाँ हम शाही पनीर की तरह ही काटेंगे। ये देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सारे काट लीजिए, एकदम सॉफ्ट। और मैंने यहाँ सारे काट लिए हैं। ग्रेवी देखिए कितना अच्छे से पक चुका है हमारा। इसमें देखिए तेल भी ऊपर आ गया है।
अब हम इसमें एक गिलास पानी डालते हैं, पानी डाल के चला के इसको हाई फ्लेम पे पकाते हैं ढक के। देखिए खोल चुका है पानी। अब हम इसमें एक एक करके ऑमलेट डाल देंगे। देखिए सारे हमने डाल दिए हैं। अब इसको हल्के से चला के इसको 5 से 10 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा अच्छे से पक चुका है। इसमें अब हरा धनिया डालिए। मैंने इस डिश को शाही ऑमलेट का नाम दिया है। देखिए हमारा यहाँ शाही ऑमलेट तैयार हो चुका है। देखिए कितना अच्छा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। अभी तक आपने लाइक नहीं करा है इसको ज़रूर लाइक करिए। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।